खजुराहो से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। सरकार कब जागेगी नींद से? चुनाव सर पर, जनता परेशान। सरकार का काला जादू उजागर। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा का है क्षेत्र। कीचड़ से निकलना पड़ रहा है ग्रामीणों को और छात्र छात्राओं को, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार छात्र गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ठाना है, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा, जमुनिया जो महज राजनगर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है, चौबर से लेकर जमुनिया तक जाने के लिए किसी भी रोड की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, यदि रोड नहीं बनेगा तो हम लोग खुल के विरोध करेंगे। जय श्री राम। ग्रामीणों ने कहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। ग्रामीण चुनाव का करेंगे बहिष्कार। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी योजनाओं का नाम जगह जगह बदल रही है, ताल ठोक कर बता रही है और आम जनता उनके कारनामे बता रहे हैं, परंतु बाहर कुछ और अंदर कुछ और ही है। जनपद पंचायत राजनगर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित जमुनिया चौबर गांव में आज भी पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामीण और छात्र छात्राएं कच्ची सड़क पर कीचड़ से निकल रहे हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने राजनेताओं के अलावा शासन प्रशासन को भी अवगत कराया है, किंतु सड़क की दुर्दशा देख लोग परेशान हैं। हम आपको बता दें, खजुराहो सांसद बीडी शर्मा का कार्य क्षेत्र के ग्रामीण छात्र छात्राएं पैदल कीचड़ से निकल रहे हैं। जिस देश में रहते हैं, इस देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग उस जंजीर से जकड़े हुए हैं जो गुलामी के। आज भी 77 वर्ष देश को आज़ाद हुए होने के बाद भी हम ऐसे गाँव में रहते हैं जिस गाँव में जाने के लिए मेन रोड से केवल 2 से 2.5 किलोमीटर की जो दूरी है, उसमें 2-3 फीट के गड्ढों से गुजर के हमारे बच्चे परिवार लोग निकलते हैं, आते जाते हैं। जो गांव में प्राथमिक स्कूल है गांव में, लेकिन जो हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं गांव के बाहर जाने के लिए, तो उसको उस रास्ते से बच्चे बैग लेकर जाते, कोई साइकिलों से गिरते उठते हैं, तो बहुत समस्या का समाधान का सामना करना पड़ता है। और इस समाधान के लिए कई बार नेताओं से, अधिकारियों से, मंत्रियों से निवेदन किया गया, बताया गया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। इसलिए हमारे गांव ग्रामीणों ने, गांव के सभी सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस बार या तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड नहीं बनता है, रास्ता नहीं बनाया जाता है, तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करें।